हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी से कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी युद्ध में अपना योगदान देने की अपील की। सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले मेदांता अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों की सराहना की। यही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने यह भी बताया कि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को रोकने में हरियाणा प्रशासन इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रमों को पहले ही रोक दिया गया था। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि आने वाले दिनों में पुलिस की मुस्तैदी को बढ़ाया जाएगा ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। वहीं तबलीगी जमात के लोगों के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि 1 मार्च के बाद आए जमातियों के टेस्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल इनकी कुल गिनती 1526 हो चुकी है। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने अपने निवास स्थान से कोरोना महामारी से निपटने के लिए संदेश जारी किया। उन्होंने अपने संदेश में लोगों से अपील की कि इस महामारी से हम एक दूसरे का सहयोग करके ही निपट सकते हैं। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन चलाते हुए एक दिन के अंदर 87 लोगों के सैंपल लिए। ये सभी तबलीगी मरकज से आए थे। स्वास्थ्य विभाग ने 2 मरकज जमातियों के कोरोना पॉजिटिव आने के चलते ये फैसला लिया। फतेहाबाद में जिला प्रशासन ने कृषि मशीनरी से जुड़ी दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया है। जिला प्रशासन ने कृषि मशीनरी से जुड़ी दुकानों को सुबह 8 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। महेंद्रगढ़ में लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में जो पॉल्यूशन फ्री हुआ, उसमें इस समय माधोगढ़ की पहाड़ी से कई किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्र का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। वातावरण में एक अलग तरह की महक महसूस हो रही है और इस समय पक्षियों की भी संख्या बढ़ी है और अच्छे से उनकी चहचहाट सुनाई पड़ रही है। पहले रोडों पर, सड़कों पर वाहनों के पॉल्यूशन, फैक्ट्रियों और चिमनियों के धुएं से वातावरण में पॉल्यूशन की लेयर बनी रहती थी। कोरोना के कहर के चलते पूरा देश लॉकडाउन है, सड़कें सूनी पड़ी हैं, कामकाज ठप पड़ा है और लोग घरों में लॉकडाउन खोलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच राहत देने वाली खबर सामने है, जहां वायु प्रदूषण में भारी कमी आई है। उधर यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने प्रदूषण न होने पर कहा कि पिछले कुछ दिन से जो लॉकडाउन हुआ, उससे औद्योगिक इकाइयां, चिमनी, कारखानों में रोक लग गई, जिससे वातावरण साफ और स्वच्छ हुआ है। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला से सटे पंजाब की सभी सीमाएं सील कर दी गईं। बॉर्डर पर बैरिकेटिंग कर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के गोद लिए गांव दोहला में कोरोना को देखते हुए कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। ग्राम पंचायत ने गांव के सभी रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया। यहां तक कि ग्रामीणों के बेवजह घरों से निकलने पर 20,000 रुपए के जुर्माने का ऐलान किया। ग्राम पंचायत ने भी ये फैसला लिया। सोमवार को हरियाणा संक्रमित एक सब इंस्पेक्टर की दिल्ली के अग्रसेन अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही दिखाते हुए बिना जानकारी दिए ही सब इंस्पेक्टर का शव परिजनों को सौंप दिया और परिजनों ने बाद में दिवंगत सब इंस्पेक्टर का अंतिम संस्कार भी कर दिया। खबर मिलते ही सोनीपत जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को ही सब इंस्पेक्टर के कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई थी और 4 अप्रैल को कोरोना से इंस्पेक्टर की मौत हुई थी। रेवाड़ी शहर में बिजली निगम ने 20 साल पहले डाली गई पुरानी तारों को बदलने का काम शुरू कर दिया। पुरानी और जर्जर तारों को हटाकर उनकी जगह 100 mm की क्षमता वाली नई तारें लगाई जा रही हैं। बिजली निगम सिटी वन के जेई जय सिंह ने बताया कि इससे शहर के लोगों को गर्मियों के मौसम में बिजली सुचारू रूप से मिलेगी और तार टूटकर गिरने का खतरा भी नहीं रहेगा।
उचाना के गांव शामदो में कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए युवाओं ने कमान संभाल ली है। गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक लगा दी गई। देश भर में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। सुरक्षा के मद्देनजर नारनौल में ठीकरी पहरा शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोगों की सुरक्षा के लिए कोरोना से बचाव के लिए कदम उठाया गया। जैसे जैसे कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, मेवात के लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। खानपुर घाटी में केस मिलने पर पिनगवा कस्बे ने डर से बाजार बंद कर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन किया गया। ऐसे में प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों तक खाने पीने का सामान आसानी से मुहैया कराया जा सके। अजय पोपली ने कहा कि रविवार को उसकी शादी की सालगिरह और उसके बेटे का जन्मदिन था, मगर पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है, तो ऐसे मौके पर दूसरे लोगों की मदद करने की उन्होंने ठानी है। सोहना में समाजसेवी संस्था ने गरीब और बेसहारा लोगों के बीच पहुंचकर खाद्य सामग्री बांटी। इस दौरान उन्होंने आइसक्रीम कंपनी के कर्मचारियों को खाना बांटा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। लॉकडाउन के चलते इस वक्त इंसानों के बाद कोई परेशान है तो वो है पशु और पक्षी, जो इंसानों के फेंके खाने पर जिंदा रहते थे, लेकिन जब से कुछ लोग लॉकडाउन में हैं तब से ये बेजुबान परेशान है। नारायणगढ़ के राधा स्वामी सत्संग भवन और शहजादपुर में प्रवासी मजदूरों और कामगारों को ठहराया गया, जहां एसडीएम अदिति और डीएसपी अमित भाटिया ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूरे मामले को लेकर डीएसपी अमित भाटिया ने बताया कि लगभग 130 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जिनमें से दो लोगों ने क्वारंटीन नॉर्म्स का उल्लंघन किया। उन दोनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के कारण पूरा भारत लॉकडाउन के चलते कोई गरीब भूखा ना सोए, इसके लिए देश के अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। रेवाड़ी शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले की सामाजिक संस्थाएं दिल खोलकर गरीबों तक मदद पहुंचा रही हैं। आपको बता दें कि सब्जी पूरी वितरित के समय बहुत से लोगों ने लेने से इनकार कर दिया, जिसका कारण पूछने पर बताया कि रोजाना पूरी खाने से उनका पेट खराब होने लगा है। इसी के मद्देनजर अनाज मंडी व्यापार मंडल ने रोटी की व्यवस्था की, लेकिन रोजाना दो टाइम 2000 लोगों के लिए रोटी बनाना आसान नहीं था। लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों के लिए नंबरदार एसोसिएशन के बांटे जा रहे खाने का इंद्री के ड्यूटी मजिस्ट्रेट, बीडीपीओ और थाना ने निरीक्षण किया, जिसके बाद जरूरतमंदों को खाना दिया गया। वहीं नंबरदार एसोसिएशन के प्रवक्ता एमएस निर्मल सिंह ने भी कहा कि ये पुण्य का काम है और इसमें हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहादुरगढ़ में 123 लोग अब भी होम क्वारंटीन पर हैं। हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ मिलकर समाज सेवी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। प्रशासन लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद अब भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करना बंद नहीं कर रहे। सुबह के समय ज्यादातर बाजारों में भी लोगों की भीड़ दिखाई देती है। हिसार में भी इसकी वानगी देखने को मिल रही है, जहां लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर घूमते हुए लोग दिखाई देते हैं। सरकार ने लॉकडाउन में किराना और मेडिकल स्टोर्स के खुलने के आदेश दिए, लेकिन हिसार में इसके साथ ही ऑटो मार्केट भी खुली हुई दिखाई। कोसली के शिव मोहन गौशाला में लगभग 3000 गायें हैं, जिन्हें लॉकडाउन से पहले जिला प्रशासन की तरफ से लगातार चारा पहुंचाया जाता है। वहीं जिला उपायुक्त ने पिछले हफ्ते एक ट्रक चारे का भेजा था, जो एक हफ्ते बाद खत्म हो गया। अब इनके चारे की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके चलते ये भुखमरी के कगार पर आ चुकी है। फतेहाबाद के नगर परिषद में पार्षदों की मीटिंग में पहुंचे पार्षद प्रतिनिधि ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 10 के पार्षद अनीता कुकड़ के पति सोनू कुकड़ ने मीटिंग में प्रधान से बदसलूकी की।
दरअसल कोरोना को लेकर शहर में व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान जमकर हंगामा हुआ। जाखल के वार्ड नंबर 5 से आशा वर्करों के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया। आशा वर्करों का आरोप है कि उनके साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया गया बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई गई। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। करनाल में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिले के खरौंडा खंड के गांव रसीन के 58 वर्षीय बुजुर्ग का पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद बुजुर्ग के परिवार के 3 सदस्यों और कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के समय संपर्क में आए चिकित्सकों का भी टेस्ट करवाया गया था। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही डीसी ने बताया कि जिस बुजुर्ग की रिपोर्ट को पॉजिटिव पाया गया था उसकी इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इधर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में कोरोना संदिग्ध की 6 मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मृतक संदिग्ध 1 अप्रैल को इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल लाया गया था, जहां उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, लेकिन आइसोलेशन वार्ड की खिड़की से भागने की कोशिश के चक्कर में वो 6 मंजिल की खिड़की से नीचे गिर गया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ गोहला पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने झूठी अफवाह फैलाने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 व्यक्तियों ने गांव के गुरुद्वारा साहिब में मुनियादी करवाकर गांव में दिल्ली निजामुद्दीन की जमात से वापस लौटे 4 मुसलमानों के गांव में घुसने की अफवाह फैलाई थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया है। गुरुग्राम में कालाबाजारी का विरोध करना एक मजदूर को महंगा पड़ गया। दरअसल ये मजदूर दुकानदार के पास साबुन लेने गया था। इस साबुन की कीमत 10 रुपए थी, मगर दुकानदार उस मजदूर से 13 रुपए वसूल रहा था, जिसका ग्राहक मजदूर ने विरोध किया। ये बात दुकानदार को रास नहीं आई, उसने उस मजदूर को लात और घूंसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने दुकानदार से उस व्यक्ति को बचा लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। सिरसा में कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। लॉकडाउन के बीच अपराधियों ने गुरुग्राम में एक धार्मिक स्थल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक फायरिंग की घटना गुरुग्राम के धनकोट गांव की बताई जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।